engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello everyone, so welcome to Unacademy and India's largest e-learning platform. So technical Barfi का जो part 2 है आज का, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि first part में हम लोगों ने एक plane wave का question किया था जो कि lossless पे based था. अब हम लोग देखते हैं कि किस type के questions को हम लोग यहाँ पे solve करने वाले हैं. तो आप लोगों ने I hope कि उस question को solve किया होगा और correct आपके answers आए होंगे, ठीक है. तो before starting the session, let me introduce myself. This is Saket Verma and I have done M.Tech from IIT Guwahati and I have cracked exam. Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topical engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Good afternoon everyone, welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So, आज हम लोग discuss करने वाले हैं again plane wave का जो next question है. जैसा कि हम लोग देखे थे कि first session में एक बहुत ही बढ़िया question हम लोगों ने किया था, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग parameter calculate करने के लिए मैंने पूछा था. तो इसी तरह से इस बार हम लोग questions करेंगे जहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे complex permittivity की, और ये भी एक बहुत ही बढ़िया question होने वाला है. आपको एक बहुत ही अच्छा idea होगा इसमें, ठीक है. So आप देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि फॉर्मूलेस तो पता है, बट बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होंगे इसके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन M.Tech फ्रॉम IIT गुवाहाटी इन ईयर 2010 इन द सब्जेक्ट और इन द डिसिप्लिन यू नो सिग्नल प्रोसेसिंग. सो मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रैक किया है, DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को क्रैक किया है, एंड हैविंग मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस, 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, और साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम और EMFT जैसे सब्जेक्ट्स को 10 ईयर से पढ़ाने का एक्सपीरियंस, और इसमें स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल कराने का एक्सपीरियंस है मेरा 10 ईयर्स का, ठीक है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दे फील कंफर्टेबल आफ्टर स्टडिंग दीज टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी. और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जो मेरे प्रोफाइल में आप देख रहे हो, वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है रिसेंटली. आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द सब्जेक्ट लाइक ए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम. आपको बहुत ही मजा आएगा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे. अभी जो हम लोग पढ़ रहे हो थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है, बट आगे आने वाले टाइम पे हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आपको कहाँ पे हेल्प करता है, आपको इसरो में हेल्प करता है, आपको ESE में हेल्प करता है, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं ना जिसमें जनरल सैटेलाइट के क्वेश्चंस, जनरल ऑप्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कभी कभी बार्क में आ जाएगा, कभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, कभी हॉल में भी आ जाएगा. तो ये सारे चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम. कई बार हम लोग देखते हैं कि डेटा नेटवर्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, डेटा नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं इसरो में, वो भी आपको पूरा एडवांस कम्युनिकेशन से मिलेगा. तो एडवांस कम्युनिकेशन इज नाउ हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट.
जैसे गेट में जितना आप पढ़ते हो ना, उसके अलावा आपको हमेशा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि गेट के बाद जितने भी एग्जाम होंगे, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन है कि वो आपको उस सिलेबस का कुछ ना कुछ पार्ट हर एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, चाहे वो सेलुलर कम्युनिकेशन हो यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन हो, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी इन अदर एग्जाम्स अदर देन गेट एंड ईएससी। तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को भी आप अडॉप्ट करो, और जब आप गेट की प्रिपरेशन कंप्लीट करते हो तो तुरंत जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए वो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसमें जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो कोड साकेट 10, मेरे साथ जुड़ जाओ, साकेट 10 कोड यूज कर लो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, और फिर हम लोग फुल फ्लेज एक बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे इस 25 मार्क्स की जो कि कम्युनिकेशन और EMT में आते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन किया था, चलो इस सेशन का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर। सो आंसर जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी हम मूव कर पाएंगे, है ना। इज देर एनी इशू, कोई मेरे को कमेंट करके बताएगा क्या कोई इशू आ रहा है क्या मैसेज वगैरह में, मेरे को ये कंटिन्यूसली बफरिंग दिख रहा है। सो आर यू ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग? ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो चलो स्टार्ट करूं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम आपको दे दिया है। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब हो गया म्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, और इंट्रिंसिक इंपेडेंस हमको दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा इज इक्वल टू 240 एंड थीटा ईटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, थीटा ईटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लॉस टेंजेंट कैसे निकल सकता है? सो वी नो दैट लॉस टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, लॉस टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये कैलकुलेट करना एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो, बट थीटा और ये थीटा ईटा के बीच का रिलेशन याद है आपको क्या होता है? थीटा ईटा फॉर ए लॉसी मीडियम इज नथिंग बट थीटा बाय 2, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज करो, थीटा ईटा आपके पास है तो थीटा ईटा यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सो यहां से हमारे पास हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा एप्सिलॉन 10 60 डिग्री विच इज √3। ठीक है, ये हो गया √3। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा √3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मनीष, ठीक है, क्लियर है पहला पार्ट।
अब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है. सो बताओ हाउ कैन यू कैलकुलेट द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर, है ना. ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू तो मुझे पता है 1 है. तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में सिर्फ एक ही चीज बच गया जो नहीं पता है, वो है एप्सिलॉन आर. तो एप्सिलॉन आर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन आपको मालूम है, सोचो. ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो ईटा. ईटा कैलकुलेट कर सकते हो क्या. ईटा का फॉर्मूला आपके पास है 240 सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन भी पता है, सब पता है. आपके पास एक ही चीज नहीं पता है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 240 और इसका जो वैल्यू आएगा ये होगा 120 पाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर एप्सिलॉन आर. म्यू आर 1 हो गया, 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन व्हिच इज रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर है ना होल टू द पावर 1/4. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो रूट ओवर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 टू द पावर 1/4, है ना, 4 टू द पावर 0.25. और अच्छा एक सेकेंड, यहां से आएगा 120 पाई, ये डिवाइड में आएगा सब, है ना, 120 पाई ये होगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 240. ये यहां से आपको डायरेक्टली रूट ओवर एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाएगी. अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर देन. चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. तो 120 पाई डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 240 इज 1.11 इट इज कमिंग एंड स्क्वायर करने पे ये 1.23 आ रहा है. आप बताओ कि आपका क्या आ रहा है. यस, तो इट इज 1.23, है ना. यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 1.11 और इसका स्क्वायर कर दो आप. ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी 1.233. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर. बोलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है क्या बताओ. गुड आफ्टरनून अनिरुद्ध, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंडेंट होता है. डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम पे डिपेंडेंट होता है. डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम इटसेल्फ. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और एटेन्युएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ठीक है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी निकालना है. कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा होता है. ठीक है, तो अगर इसके कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग देखें ध्यान से, अगर मैं इसमें एप्सिलॉन कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन. ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी, है ना. अब आप देख सकते हो कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज नथिंग बट लॉस टेंजेंट और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो ये आया था 1.233 एंड एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन कितना आया था रूट 3. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी हो गया. बहुत ही सिंपल तरीके से आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट आपको निकालना है एटेन्युएशन. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट एटेन्युएशन. ठीक है, कैलकुलेट करो एटेन्युएशन कांस्टेंट. सो एटेन्युएशन कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी रूट ओवर म्यू आर जो कि 1 है एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट रूट ओवर
वन प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जो कि लॉस टेंजेंट है इसका होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सब चीज इसमें पता है आपको। ओमेगा की वैल्यू पता है क्या? आप देखो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या? ओमेगा की वैल्यू है आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ पे कैलकुलेट करना है बोला गया है। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज़ पे कैलकुलेट करने बोला गया है। सो 2 पाई 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय सी मतलब हो गया 3 × 10 to the power 8 रूट ओवर म्यू आर की वैल्यू 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने निकाल दी 1.234 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? So it is 0.016. Yes, it is coming as 0.016. ठीक है, नेपियर पर मीटर 0.0164 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा एटेन्यूएशन कांस्टेंट का। बताओ इसमें किसी को डाउट आया क्या? कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो? कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो? गुड आफ्टरनून अनिरुद्ध, है ना? आगे आइए सभी का आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ये देखो आप देख सकते हो इसको दोबारा क्या क्या चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आप देख सकते हो इसको। अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो वो देख सकता है।
है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर किसी को और डाउट है तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, ये वाला पेज भी देख सकते हो आप। ये देखो, हाउ डूड वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी? द कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी इज एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। इन दिस वे वी हैव रिटन द ऑल द वैल्यूज हियर। सो एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट इज, हमको नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना था वो एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना था। तो मुझे ये बताओ कि ये जो फीचर है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये जो इस तरीके से जो रिवीजन हो सकता है आपका, अगर आपको कोई भी क्लास देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि एक बार मैं रिपीट कर दूं, तो ये पूरी चीज़ें मैं लिखते जाऊंगा और साथ साथ मैं बोलते जाऊंगा, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेटर क्लियर होगा। क्या बोलते हो? इज इट गुड और नॉट? इज इट गुड और नॉट? ठीक है, तो हम लोग अनिरुद्ध इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। अभी ये मैं बोला था आपको कि सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट हुआ है कल, तो कुछ कुछ नई चीजें मैं सीखा हूँ, तो धीरे धीरे उन सारे चीजों को मैं यूटिलाइज करूंगा और हम लोग आगे आने वाली क्लासेस को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाएंगे, एंटरटेनमेंट वाला बनाएंगे और लर्निंग वाला बनाएंगे। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग लर्न करेंगे। कभी भी रिविजन करने के लिए देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ बोलने से अच्छा है कि मैं एक बार उस बोर्ड का पूरा रिप्ले चला सकता हूं आपके सामने कि एग्जैक्टली कैसा हुआ, क्योंकि जब पूरी चीजें लिखी रहती है तो ध्यान आपका नेक्स्ट लाइन में भी चला जाता है। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो आप जब दोबारा देखोगे तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक फिर से वो पूरी चीजें रिकॉल हो जाएगी, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपके माइंड में वो बातें ज्यादा अच्छे से स्टोर होगी। क्योंकि जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी के साथ हमारे पास बगल में कुछ और अगर चलने लग जाता है, कोई पर्सन आने लग जाता है, तो हम लोग का ध्यान जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है ना? तो वैसा ही है, अगर वो सीक्वेंस में कोई चीज चल रही होगी तो आप लोग उसको और भी ज्यादा इंजॉय कर पाओगे। ठीक है प्रवीण, तो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में इसको और अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आई एम जस्ट लर्निंग नाउ कि किस तरीके से मैं ये सारे सॉफ्ट जो अपडेट है उसको यूज कर सकता हूँ। तो जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आज करके देखा है, और भी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इस क्लास को और भी इंगेजिंग बना सकते हैं। जैसे कि टाइमर वाली चीज जो है, जो टाइमर अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है ना, हम लोग टाइमर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइमर है ना, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी देखो इसको, मेरे को थोड़ा सा सेटिंग समझना है। जैसे कि मान लो ये 20, मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 20 सेकेंड का टाइम दे दिया, ठीक है, तो इसको प्ले कर दिए, तो ये आपका 15 सेकेंड 12 सेकेंड इतने सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये भी अब मेरे पास आ गया है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग देखते हुए इतने सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बनाना है, ये थॉट में रख के आप बनाओगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, तो हम आगे चल के सबको यूज करेंगे। ओके, थैंक यू आशीष तिवारी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर फीडबैक। हाँ अनिरुद्ध, आज की क्लास में हम लोग टाइमर भी यूज करेंगे और साथ में वो रिवीजन वाला मोड को भी ट्राई करेंगे रात वाली क्लास में, और देखते हैं कि उससे कितना इफेक्टिव हो पाता है, क्योंकि रात वाली क्लास में थोड़े ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे और देखेंगे कि बाकी लोग का इसमें क्या कहना है। जैसे अनिरुद्ध हो गया, प्रवीण हो गया, और बाकी लोगों को ये वाला फीचर अच्छा लग रहा है, तो हम देखते हैं बाकी लोग का भी फीडबैक लेते हैं और समझते हैं कि वो कितना इंगेजिंग लग रहा है। ठीक है चलो, सो आज ये वाला जो टेक्निकल बर्फी का सेशन है वो खत्म होता है, शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं हम लोग। ओके, सो अनअकैडमी प्लस के एडवांटेजेस मैं आपको बताया था, ऑन टाइम क्लासेस, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विजेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, टू ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव बोर्ड, लीडर बोर्ड, पर्सनल गाइडेंस, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यू कैन चूज योर ओन एजुकेटर, आप
एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस को एक्सेस कर सकते हो। गेट और ESC के अलावा आप हर टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी बैच बनेगा, इसरो का बैच बना, DRDO का बैच बना, PSU का बैच बना, असिस्टेंट इंजीनियर का बैच बना, सब में आप ऑटोमेटिक एनरोल हो जाओगे। आपको एक ही बार बस सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद सब कुछ उस ड्यूरेशन के अंदर जितने दिन का आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा उस ड्यूरेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और सीरियसनेस आपको देखने को मिलेगा, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी और क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच और स्टडी मटेरियल, ये दो एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाते हैं। पर्सनल कोच का काम है आपके स्टडी को पूरा प्लान करना, आपके वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करके उसमें एक्स्ट्रा सेशंस लगवाना, मतलब आपके लिए अलग से सेशंस इंगेज किए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में जो रूटीन क्लासेस है उससे एक्स्ट्रा क्लासेस आपको स्टडी बूस्टर सेशंस में प्रोवाइड किए जाएंगे और नियर फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, वन ईयर, वन एंड हाफ ईयर एंड टू ईयर। अगर इसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हो यूजिंग द कोड Saket10, अगर आप ये कोड यूज करते हो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा मेंटरशिप मिलेगा पूरे साल, गेट के बाद तक, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के बाद तक आपका साथ और मेरा साथ बना रहेगा अगर आप ये यूज करते हो कोड Saket10, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट है, मैं कहीं भी रहूं आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा किसी भी मीडियम से, ठीक है। बस आपको यूज करना है, जब भी आप कोर्स परचेज कर रहे हो या सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको यूज करना है ये कोड, उसके बाद आप और मेरा जो रिलेशन है वो वहीं से बन जाएगा, और जब तक आप अपने करियर में सेटल नहीं होते तब तक वो रिलेशन बना ही रहेगा और लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। बट यस, मुझे पता है कि आपको गाइडेंस सिर्फ वहीं तक चाहिए, उसके बाद आप खुद चलना सीख जाओगे, ठीक है। सो बैच है 17th of March से बैच स्टार्ट हो चुका है, नया बैच 31st से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज फॉर Gate 22 और ये आपका SN बैच है फॉर Gate 23, एंड दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन Gate 23, ठीक है। और अनअकैडमी कॉम्बैट संडे को है 11 AM को, आप उसमें एनरोल हो जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको यूज करना है कोड Saket10 फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप एक बार प्लेटफॉर्म यूज करके देखो, आप टेस्ट का मजा लेके देखो, आप डिटेल डिस्कशन का मजा लेके देखो, फिर आप खुद ही डिफरेंस फील करोगे कॉम्बैट्स एंड अनअकैडमी कॉम्बैट में, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे अगेन विद द न्यू सेशन। थैंक यू प्रकाश डियर, अनिरुद्ध आपने कहाँ पे मैसेज किया था? देखो, जिसको मेरा नंबर चाहिए वो नोट कर सकता है मेरा नंबर, मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करना, मतलब रिवर्स करके देख लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। 7828474366 इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है बाकी लोगों का मैसेज आ रहा है? यू कैन डायरेक्टली कॉल मी अनिरुद्ध, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैसेज मत करो, कॉल कर लो डायरेक्ट। टाइम गेट क्वालिफाइड दैट मीन्स व्हाट सुमित, क्या बोलना चाह रहे हो आप? निहाल, EMFT में प्लस प्लस जो है वो आपका स्टार्ट होगा, वो एटलीस्ट 1 से 2 मंथ अभी लगेगा क्योंकि अभी बेसिक सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे ही वो बेसिक सब्जेक्ट खत्म होते हैं EMFT स्टार्ट हो जाएगा। ओके सुमित, तो मेरे को लगता है कि आप 5th time अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, है ना। और मेरे को लगता है कि अब आपको और अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आपको दूसरा प्लान करना चाहिए। जो भी आपका ऑप्शन है, हो सकता है आपका कुछ रैंक आया, अगर जस्ट क्वालिफाई हुए हो तो भी आप किसी एक बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अपना MTech करो, एनरोल करो, क्योंकि ज़्यादा गैप भी ठीक नहीं है, 2 से 3 साल तक का ठीक होता है, लेकिन 4-5 साल का गैप हो जाने के बाद क्वेश्चंस आपके ऊपर खड़े होने लगते हैं कि वाई 4 to 5 attempts यू आर टेकिंग टू क्लियर द सिंगल एग्जाम। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी सही नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये वाला सेशन को हम लोग छोटा ही रखते हैं, है ना।
55 के मार्क्स, अगर 55 मार्क्स आए हैं, अगर हमें क्यों लगता है आप इलेक्ट्रिकल के हो गए, क्योंकि 55 मार्क्स में तो ईसी में बहुत अच्छा रैंक आएगा, बट इलेक्ट्रिकल में अगर आप 55 मार्क्स ला रहे हो, तो मुझे, मैं वही बोला, आप एमटेक परस्यू करो, ठीक है, डोंट लुक फॉर द गवर्नमेंट जॉब ओनली, है ना, हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, मोटिवेट करो अपने आप को, अपने अपने आसपास के लोगों को, वी शुड गो फॉर द हायर एजुकेशन। थर्ड ईयर में 42 मार्क्स इज वेरी गुड, है ना, अगर थर्ड ईयर में 42 मार्क्स आ रहा है डबल ही, दैट इज गुड। ये वन ईयर आप उतने ही डेडिकेशन के साथ स्टडी करो जैसा आपने लास्ट ईयर किया है, ये 42-84 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 42-84 में कन्वर्ट होगा, आप टॉप 10 के अंदर रहोगे, आपका हार्डवर्क, आपका कंसिस्टेंसी, आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन, ये सब कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा। वी विल डिस्कस मोर, बट दिस टेक्निकल बर्फी इज अ शॉर्ट सेशन, वी कैन नॉट टॉक मच इन दिस सेशन बिकॉज दिस इज अ 20 मिनट सेशन, सो दैट बाद में जो स्टूडेंट देखे वो उनको ये अनोइंग ना लगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बस अप टू दिस ये सेशन है। अगर आपको डिस्कशन करना है और, तो हम लोग मिलते हैं रात को 9:30 बजे लक्ष्य बैच में, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड शाम को 6 बजे टेक्निकल बर्फी।